Guys, what's up? So, welcome to the study of for the competitive exams. तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नाबार्ड के बारे में. नाबार्ड की डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो 62 पोस्ट रिलीज हुई थी, उसका जो प्री एग्ज़ाम था वो 29 सितंबर को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है. तो उसका यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो मेन्स का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है. आप चेक कर सकते हैं nabard.org पे जाके, साइट पे, वेबसाइट पे. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, पढ़ भी सकते हो. तो यहाँ पे आपको मेंस एग्ज़ाम की कैरियर पे जाके कैरियर नोटिसेज में मेंस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी. सो दिस वन इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ द नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, जिसकी 62 पोस्ट रिलीज हुई थी. 29 सितंबर को एग्ज़ाम अभी इसका हेल्ड हुआ था. तो अभी इसका रिजल्ट तो नहीं आया है कि कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, पर जो मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनल कर दी गई है. तो मेंस एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होगा 21 अक्टूबर को. सो जिन भी फ्रेंड्स का एग्ज़ाम सही हुआ है तो वो तो अपने मेंस की प्रिपरेशन को रेगुलरली रखिए. सो दिस वन इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द नाबार्ड. सो 62 पोस्ट, मेनली 62 पोस्ट थी इसमें यहाँ पे, तो स्टेट वाइज पोस्ट फिलअप की गई थी. तो ये लेटेस्ट वन नोटिफिकेशन है यहाँ पे. तो नाबार्ड की जो फाइनल डेट कर दी गई है, मेंस का एग्ज़ाम है जो अब फाइनल हो गया है कि 21 अक्टूबर को कंडक्ट होगा. तो अब इसका एडमिट कार्ड कब आता है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसी के बाद ही एडमिट कार्ड जैसे रिलीज होगा. सो आई विल अपडेट द वीडियो थ्रू यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड द प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स. तो फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ पे इतना ही. सो हैव ए गुड डे.